थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरी घटना थाना बोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला ताड की है। यहां के निवासी दुर्गेश पुत्र जयपाल अपने घर की छत पर सो रहे थे, तभी उन्हीं के परिवार के रमेश चंद पुत्र सोनपाल, ध्रुव सिंह पुत्र रामवीर, अंशु उर्फ रामू, शीलेंद्र उर्फ श्याम, अमित पुत्र रामेन सिंह उन्हें घर से उठाकर ले गए, जिसके बाद उन्हें कमरे में बंद करके उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिवारी जनों ने बताया कि परिवार में ही रमेश चंद की पुत्री का दुर्ग सिंह से प्रेम संबंध था, जिसका दुर्गेश और उसके परिवारी जनों ने विरोध किया था। इसी को रंजिश मानते हुए उसको घर से उठाकर ले गए और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना को लेकर मृतक के परिवारी जन व पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। चतुर सिंह कहाँ रहते हैं? लंगला गरदारी। क्या मामला हो गया, कैसे हत्या की गई है? ये हत्या सर पुरानी एक लड़का तुंजापुर का है, धौरव सिंह नाम का, वो रमेश से दोस्ती उसने की और दोस्ती करने के बाद उसके लड़के से अवैध संबंध हो गए। जब अवैध संबंध हो गए, धीरे धीरे करके पूरे गांव में चर्चा हुई, क्षेत्र में चर्चा हुई इस बात की, तो हमारे परिवार का परिवार के नाते हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। तो बहिष्कार करने में दुर्गेश ने थोड़ा बहिष्कार ज़्यादा कर दिया विरोध, तो दुर्गेश से गहरी रंजिश मान कर दुर्गेश को मदद। क्या हत्या हुई है, क्या हुआ है? दुर्गेश अपनी छत पर लेटा था, तो ये लोग रात में आए और दुर्गेश को पकड़ा, मुँह में कपड़ा वपड़ा भर के। कौन कौन लोग आया था? रमेश चंद, ध्रुव सिंह, रामू, अंशु रामू और अंशु, शीलेश और श्याम, अमित, ये पांच लोग आए और जी वह छत लगी हुई तो पकड़ ले गए। इन्होंने अपने घर में ले जाकर कमरे में बंद कर लाठी डंडों और लोहे की सरियों से दुर्गेश की पिटाई की। पिटाई मौत अवस्था में दुर्गेश घायल अवस्था में हो गया। तब ने 100 नंबर पर फोन कर और उल्टा ब्लेम लगाते कि ये मेरे घर में घुसा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मौके पर रमेश को साथ अरेस्ट करके लाई, दुर्गेश को पुलिस ने जिला अस्पताल मैनपुरी भेज दिया, यहाँ पर आकर उनकी मौत हो गई।